हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आपको पता है बेसिक फॉर्मूला एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, दैट इज योर हाइट। एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का भी आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, करेक्ट। तो यहाँ पे जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढते थे तो यहाँ पे वर्टाइसेस नहीं दिए होते थे, आपको बेस का मेजर दिया होता था एंड हाइट का मेजर। तो जब वर्टाइसेस दिए हो ट्रायंगल के, तब आप उसका एरिया कैसे फाइंड करोगे? तो हम यहाँ पे एक न्यू फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज व्हेन वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। सबसे पहले इसका ट्रिक देखो, सबसे पहले एक्स वन लोगे, ठीक है, फिर सेकेंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ वाई लोगे, ठीक है, फिर प्लस करोगे एक्स टू, देन थर्ड एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ वाई लोगे, देन प्लस करोगे एक्स थ्री एंड देन फर्स्ट एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ वाई लोगे, दैट इज टू थ्री थ्री वन एंड वन टू। समझ आया? ये सीक्वेंस होगा एंड एक्स क्या होगा? वन टू एंड थ्री। तब यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 1, -1, -4, -6 एंड -3, -5, ठीक है। तो वर्टाइसेस है तो आप यहाँ पे इसको नाम दे दोगे ए बी एंड सी। सो लेट ए इज इक्वल टू 1, -1, बी इज इक्वल टू -4, -6 एंड सी इज इक्वल टू -3, -5। सो वॉट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? ये वीडियो पॉज करके आप ये फॉर्मूला दो तीन बार लिख लो, जब तक आपको याद नहीं हो जाता, फिर आप एग्जाम्पल सॉल्व करो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, करेक्ट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू वन इंटू सिक्स माइनस ऑफ माइनस फाइव, दैट इज प्लस फाइव। यहाँ वाई थ्री क्या है? माइनस फाइव, करेक्ट। ए के कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू एंड सी के कोऑर्डिनेट है एक्स थ्री वाई थ्री। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू वन इंटू वाई टू क्या है? सिक्स। वाई थ्री क्या है? माइनस फाइव। सो माइनस ऑफ माइनस फाइव इज प्लस फाइव प्लस एक्स टू इज माइनस फोर, वाई थ्री इज माइनस फाइव एंड वाई वन इज माइनस वन। सो माइनस ऑफ माइनस वन कितना हो जाएगा? प्लस वन प्लस एक्स थ्री इज माइनस थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, दैट इज माइनस वन माइनस सिक्स, दैट इज वाई टू इज सिक्स। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 24 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे आप स्क्वायर यूनिट लिखोगे क्योंकि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर रहे हो एंड आपको सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है, ठीक है। समझ आया? वेरी इजी सम। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए 5, 2, बी 4, 7 एंड सी 7, -4। तो यहाँ पे भी सेम है, आपको वर्टाइसेस दिए हैं, थ्री वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आपको खाली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करके उसमें सब्सटीट्यूट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, करेक्ट। ये फॉर्मूला है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एक्स वन, यहाँ पे क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन एक्स टू, बी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स टू एक्स थ्री एंड सी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स थ्री वाई थ्री, करेक्ट। एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू फाइव इंटू सेवन माइनस ऑफ माइनस फोर, दैट इज सेवन प्लस फोर प्लस फोर इंटू माइनस फोर माइनस टू, करेक्ट, प्लस सेवन इंटू माइनस टू माइनस सेवन, करेक्ट। सो टू माइनस सेवन। सो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू माइनस टू। बट यहाँ पे आपको पता है कि एरिया कभी भी नेगेटिव वैल्यू का नहीं हो सकता, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर करेंगे एंड लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू पॉजिटिव टू स्क्वायर यूनिट, ठीक है। लास्ट सम में जो हमने अभी किया उसमें पॉजिटिव वैल्यू थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल नेगेटिव आ रहा है तब पहले लिखोगे नॉट पॉसिबल एंड फिर इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू टू स्क्वायर यूनिट।
ठीक है, समझ आया? नाउ एग्जाम्पल 13, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर, वेयर पी इज -1.5, 3, क्यू इज 6, -2 एंड आर इज -3. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स पी -1.5, 3, क्यू 6, -2 एंड आर -3, 4. तो ये भी सेम पहले टाइप का सम है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू, करेक्ट. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आप खाली सब्सटीट्यूट करोगे, हाफ इंटू -1.5 इंटू -2, -4 प्लस 6 इंटू -4, -3 प्लस -3 इंटू 3 माइनस ऑफ -2, दैट इज 3, +2, करेक्ट. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको क्या मिलेगा, हाफ इंटू 9 + 6 - 15 विच इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 मिल गया. सो सिंस द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 0 स्क्वायर यूनिट्स, देन इट्स वर्टाइसेस विल बी कोलिनियर. ठीक है, जब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आता है, देन आप क्या लिखोगे स्टेटमेंट, सिंस द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 0 स्क्वायर यूनिट्स देन इट्स वर्टाइसेस विल बी कोलिनियर. ठीक है, ऐसे टाइप के सम्स आपको एक्सरसाइज में भी दिखेंगे. नाउ एग्जांपल 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर. देखो, हमने जस्ट लास्ट एग्जांपल में देखा कि अगर एरिया 0 होता है देन द वर्टाइसेस आर कोलिनियर. सब यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर. नाउ सिंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय देम मस्ट बी 0. That is, area of the triangle is equal to, you will use the formula, area of the triangle is equal to half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, that is 0 is equal to half into 2 into k plus 3 plus 4 into -3, -3 plus 6 into 3 minus k, that is half of -4k is equal to 0. तो के क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कुछ भी आप यहाँ पे सॉल्व करोगे एंड जब वो 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, दैट इज के इज इक्वल टू 0. सो योर वैल्यू ऑफ के इज 0. एग्जांपल 15, इफ ए बी सी एंड डी आर वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी. इन टाइप के सम्स में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डायगोनल ज्वाइन कर दोगे. ठीक है, डायगनल ज्वाइन करने के बाद आपको दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, उन दोनों ट्राइंगल्स का आप एरिया सेपरेटली फाइंड करोगे एंड देन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में उन दोनों ट्राइंगल्स को ऐड कर दोगे. ठीक है, तो आपको फुल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा. नाउ बाय जॉइनिंग बी टू डी, जब यहाँ पे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है तो डायगनल क्या हो जाएगा, बी डी. यू विल गेट टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी, करेक्ट. सो नाउ you will use the vertices formula. So area of triangle ABD kya ho jayega, half into -5 into -5, -5, correct, plus -4 into 5, -7 plus 4 into 7, +5. यहाँ पे आप पहले formula लिखोगे, फिर ये formula substitution करोगे. ठीक है, क्योंकि formula substitution carries marks. अगर आपने formula substitution नहीं किया so then आपके वो step marks कट हो जाएंगे. That is half into 106 which is equal to 53 square units. So what is area of triangle ABD? 53 square units. Similarly, using the same formula, area of triangle BCD kya ho jayega? 19 square units. So what will be the area of quadrilateral ABC? Area of triangle ABD plus area of triangle BCD, that is 53 plus 19 square units, which is equal to 72 square units. Samajh aaya? So what have you learned today? Aaj humne एरिया ऑफ अ ट्राइंगल देखा कि जब थ्री वर्टाइसेस दिए होते हैं तो हम कैसे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ढूंढते हैं. इसमें हम नॉर्मल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला नहीं यूज करते, इसमें हम वो वर्टाइसेस फॉर्मूला यूज करते हैं. ये फॉर्मूला दो बहुत लेंदी है, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताया है इसको रिमेम्बर करने का. सो बहुत ईजी है ये सम्स, लेकिन बहुत स्कोरिंग है तो इसमें आप मार्क्स नहीं लूज कर सकते. हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.